दोस्तों स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और किंग्स इलेवन पंजाब और केकेआर के बीच में खेले गए आईपीएल 2019 के छठे मैच में केकेआर ने यहां पर किंग्स इलेवन पंजाब को करारी हार का स्वाद चखवाया है। बताएंगे आपको पूरे मैच का हाल, साथ ही साथ बात करेंगे हार के कारणों की। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही साथ आईपीएल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों यहां पर टॉस जीता था किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान आर अश्विन ने और पहले फील्डिंग करने का जो है वो यहाँ पर फैसला किया था। वहीं केकेआर की तरफ से सुनील नारायण और क्रिस लिन ने यहाँ पर पारी की शुरुआत की और केकेआर की तरफ से नीतीश राणा ने 63, रॉबी उथप्पा ने 67, तो वहीं अंत के ओवर्स में आंद्रे रसल ने 17 गेंदों में तूफानी 48 रन जड़कर केकेआर का स्कोर जो है वो 200 रन के पार पहुंचाया और केकेआर ने अपने 20 ओवर में यहाँ पर 218 रनों का विशाल स्कोर जो है वो खड़ा किया। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केएल राहुल और क्रिस गेल ने यहां पर एक बार फिर से पारी की शुरुआत की और पंजाब के फैंस को इन दोनों बल्लेबाजों से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन यहां पर ये दोनों बल्लेबाजी जो है वो बहुत ही सस्ते में आउट हो गए। इसके अलावा मयंक अग्रवाल, डेविड मिलर ने यहाँ पर अर्धशतकीय पारियाँ खेली, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद वो किंग्स इलेवन पंजाब को जीत नहीं दिला पाए। साथ ही साथ यहाँ पर मनदीप सिंह ने भी एक 33 रनों की छोटी आतिशी पारी जरूर खेली। वहीं अब बात करें पंजाब की हार के कारणों की, तो यहाँ पर आंद्रे रसल की पारी और अश्विन की इररेस्पॉन्सिबल कप्तानी की वजह से पंजाब जो है ये मैच हारी। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने एक यॉर्कर गेंद पर आंद्रे रसल को बोल्ड कर दिया था, लेकिन अश्विन की इररेस्पॉन्सिबल कप्तानी की वजह से वो जो है नो बॉल हो गई। तो ऐसे में ये जो है वो बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है पंजाब की हार का। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा कारण जो वो सबसे बड़ा रहा किंग्स इलेवन पंजाब की हार का, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आईपीएल की मजेदार खबरों को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें डीएनए न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।